Respected listeners and dear students, assalamu alaikum and welcome to my YouTube channel. Let's learn. Let's start to solve the work page of chapter number 2 and question answers. Work page hai chapter number 2 ka page number 13 pe. A question hai, study the table on the page 9 and then answer these questions. यानी आपने क्वेश्चंस पूछे गए हैं, आपने पेज नंबर 9 पे जो टेबल गिवन है उसको रीड करना है और उसके अकॉर्डिंग आंसर्स देने हैं. फर्स्ट आपसे पूछा ये गया है द प्लेस विद द हाईएस्ट एनुअल रेनफॉल, वो जगह लिखें जहाँ पे सालाना सबसे ज़्यादा बारिशें होती हैं. तो उसके मुताबिक पेज नंबर 9 के मुताबिक है द हिल स्टेशन ऑफ मरी. मरी का हिल स्टेशन जहाँ पे एनुअल जो रेन है वो 1789.3 मिलीमीटर्स mm होती है. सेकेंड इज द प्लेस विद द लोएस्ट एनुअल रेनफॉल, वो जगह जहाँ पे सबसे कम सालाना बारिशें होती हैं और वो है जी नोकुंडी, और वहाँ बारिश होती है जी 35.3 मिलीमीटर्स. थर्ड इज द प्लेस विद द लोएस्ट एवरेज विंटर टेम्परेचर, वो प्लेस जहाँ पे औसतन जो टेम्परेचर है औसतन दर्जा हरारत सबसे कम होता है सर्दियों में, और वो है क्वेटा. क्वेटा में जो सबसे कम दर्जा हरारत है औसतन वो है -2 degrees centigrade या -2.0 या -2, सेम बात है. एंड फोर्थ इज द प्लेस विद द हाईएस्ट एवरेज समर टेम्परेचर, वो जगह जहाँ पे सबसे ज़्यादा गर्मियों में दर्जा हरारत होता है औसतन, और वो है जैकबाबाद. यहाँ पे होता है टेम्परेचर 36.9 degrees centigrade. फिफ्थ इज कंपेयर द क्लाइमेट ऑफ मरी एंड क्वेटा, हाउ आर दे अलाइक एंड हाउ दे डिफर. आपने कंपेयर करना है, मुआवजा करना है मरी और क्वेटा के टेम्परेचर का, और आपने ये बताना है ये किस तरह से एक जैसे हैं और किस तरह से मुख्तलिफ हैं. अच्छा जी देखिए, द एवरेज विंटर टेम्परेचर इन क्वेटा कैन गोज एज लो एज -2 degrees centigrade एंड द एवरेज टेम्परेचर इन समर कैन आल्सो गो हाई टू 25.6 degrees सेल्सियस या सेंटीग्रेड, सेम बात है. Whereas Murray's average winter temperature is 3.7 degrees centigrade and maximum temperature in summer is 20.6 degrees centigrade. Murray gets 1789.3 millimeters of rain annually and Quetta gets 260.6 millimeters. Both the places have low temperatures, however Murray gets a lot more rains than Quetta. Yani compare kiya gaya hai ki sardiyon mein aur garmiyon mein temperature kya hai, then annual rainfall kya hai, then result ye hai ki Quetta aur Murray dono ka temperature low hota hai, yani temperature zyada itna nahi hota ki bahut shadid garmi nahi hai na, aur Murray mein मुख्तलिफ बात यह है कि मरी में ज़्यादा बारिशें होती हैं क्वेटा की निस्बत, ये डिफरेंट चीज़. नेक्स्ट है बी, क्वेश्चन बी इज रीड एंड मार्क द सेंटेंसेस बिलो एज ट्रू टी और फॉल्स एफ, यानी आपने ट्रू एंड फॉल्स लिखना, जो स्टेटमेंट ट्रू है उसके आगे टी लिखेंगे हम, जो फॉल्स है उस पर एफ लिखेंगे. फर्स्ट इज प्लेसेस नियर द पोल्स आर ऑफन वेरी वार्म, तो ये फॉल्स है, पोल्स हमेशा ठंडे होते हैं, साउथ एंड नॉर्थ पोल ठंडे इलाके हैं, तो ये फॉल्स स्टेटमेंट है. पीपल लिविंग इन कोल्ड क्लाइमेट बिल्ड हाउसेज विद स्लोपिंग रूफ, ये ट्रू है क्योंकि वहाँ बारिशें होती हैं, सॉरी बर्फबारी होती है, बारिशें भी होती हैं, और जो जो स्लोप वाली रूफ होती है यानी ढलवान होती है वहाँ पे बारिशें या बर्फबारी खड़ी नहीं रहती. थर्ड इज मरी हैज़ अ वेरी ड्राई क्लाइमेट विद लिटिल रेनफॉल, फॉल्स मरी में बहुत ज़्यादा बारिशें होती हैं, ड्राई क्लाइमेट नहीं है. क्लाइमेट अफेक्ट हाउ वी लिव, यस ट्रू, जैसे क्लाइमेट जो आबो हवा है वो ये मुतासर करती है कि किस तरह से हमारे रहन सहन को मुतासर करती है, हमारे इस तरह से कि गर्म क्लाइमेट होगा तो रहन सहन चेंज हो जाता है, कपड़े ओढ़ना बिछोना सब चेंज हो जाता है, और सर्दियों में चेंज हो जाता है.
Number 5 is wheat needs a lot of heat and rainfall to grow well. ये फॉल्स है, वीट को ज़्यादा रेनफॉल की ज़रूरत नहीं होती, नॉर्मल रेनफॉल पे वीट अच्छी ग्रो करती है, यानी गंदम. डी इज फिल इन द ब्लैंक्स. ब्लैंक्स फिल करनी है आपने जी. विदाउट ग्रीन हाउस गैसेस द अर्थ वुड बी वेरी डैश विद टेम्परेचर फॉलिंग टू -17 degrees Celsius. चिली ठंडा. द यूज ऑफ डैश fuels increases the amount of greenhouse gases in the atmosphere. Fossils f small likhenge. Plants and trees absorb dash carbon dioxide. The main energy resource for producing electricity is coal. Blank mein aayega coal, coal, coal. The main energy resources for producing electricity is coal. Walking and cycling is good for environment because dash. Blank में लिखेंगे जी, it does not cause pollution, क्योंकि ये आलूदगी का बायस नहीं बनती. वॉक करने से और साइकिलिंग करने से आलूदगी पैदा नहीं होती. 6 is greenhouse gases trap dash in the atmosphere. Blank में आएगा जी heat. Greenhouse gases trap heat in the atmosphere. चैप्टर नंबर 2 वर्ल्ड क्लाइमेट यूनिट 1 में वर्ल्ड जियोग्राफी का चैप्टर नंबर 2 है जी वर्ल्ड क्लाइमेट. क्वेश्चन नंबर 1 है इन व्हाट वेज डज द क्लाइमेट अफेक्ट आवर लाइव्स. किस तरह से टेम्परेचर हमारी जिंदगियों को मुतासर करता है. क्लाइमेट अफेक्ट्स हाउ वी लिव, द काइंड ऑफ हाउस वी लिव इन, यानी आबोहवा असर अंदाज होती है कि किस तरह से रहते हैं हम और किस तरह से किस किस्म के घर हम बनाते हैं उस पर भी असर अंदाज होती है. द फूड वी ईट वो खाना जो हम खाते हैं. द क्लॉथ्स वी वेयर वो कपड़े जो हम पहनते हैं. आवर एक्टिविटीज़ एंड वर्क हमारी एक्टिविटीज़ हमारे काम. एंड द वे वी स्पेंड आवर टाइम इनडोर्स एंड आउटडोर्स और वो सब तरीक़ेकार जिस से हम अपनी लाइफ घरों में और घरों के बाहर गुजारते हैं. क्वेश्चन नंबर 2 इज लुक एट द मैप ऑन द पेज 9 एंड नोट द लाइंस ऑफ लैटिट्यूड व्हिच डिवाइड्स द वर्ल्ड इनटू क्लाइमेट रीजंस. यानी आपने इसमें बताना यह है कि पेज नंबर 9 पे जो मैप है उसमें जो लाइन है लैटिट्यूड लाइन उसमें किस किस्म के क्लाइमेटिक रीजंस आ रहे हैं. लैटिट्यूड क्या होता है, ज़मीन को जिस तरह से डिवाइड किया गया है दो हाफ में उस लाइन को इक्वेटर बोलते हैं. इसी तरह से जो लाइन नॉर्थ टू साउथ आ रही है या साउथ टू नॉर्थ आ रही है यानी इस डायरेक्शन में आ रही है लाइन उनको लैटिट्यूड लाइन बोलते हैं. और जो डायरेक्शन में ईस्ट टू वेस्ट हैं या वेस्ट टू ईस्ट हैं उनको लॉन्गिट्यूडनल लाइन बोलते हैं. अब आपने ये बताना है कि इस डायरेक्शन में यहाँ से किस किस्म के रीजन्स आ रहे हैं. द आर्कटिक सर्कल, द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, द एंटार्कटिक सर्कल, ये रीजन्स हैं सारे इस किस्म के क्लाइमेटिक रीजन्स आ रहे हैं यहाँ से यूं. एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन आर द लाइंस ऑफ लैटिट्यूड दैट डिवाइड्स द वर्ल्ड इनटू डिफरेंट क्लाइमेटिक जोन्स. यानी ये वो लैटिट्यूड लाइंस हैं यानी यूं आ रही हैं यूं और यूं पूरी दुनिया में दुनिया के तमाम हिस्से में डायरेक्शन उनकी ऐसे है. इसमें आर्कटिक सर्कल आ जाता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आ जाता है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन आ जाता है, एंटार्कटिक सर्कल आ जाता है. यानी तकरीबन तमाम क्लाइमेटिक रीजन्स जो उनसे हैं इसमें मौजूद हैं. क्वेश्चन नंबर 3 है व्हाट आर सम ऑफ द फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस क्लाइमेट. ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं, ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो कि असरअंदाज होती हैं आबोहवा पे. द टेम्परेचर, द अमाउंट ऑफ रेनफॉल, द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर यानी दर्जा हरारत, बारिशों की मकदार और हवा में नमी की मकदार. द डायरेक्शन एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ विंड्स यानी हवाओं की
सिम्प यानी हवाएं किस सिम्प में है और उनकी रफ्तार क्या है, उनकी स्पीड क्या है, एंड द प्रेजेंस ऑफ हिल्स एंड माउंटेंस आर द फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस द क्लाइमेट, और पहाड़ों और पहाड़ियों की और टीलों की मौजूदगी जो सी है वो इन्फ्लुएंस करती है, अफेक्ट करती है, असरअंदाज होती है आबोहवा पे। व्हाट इज़ क्लाइमेट चेंज, आबोहवा की तब्दीली क्या है। क्लाइमेट चेंज इज़ अ फिनोमिनन दैट अकर्स वेयर इज अ चेंज इन द क्लाइमेटिक पैटर्न ऑफ अ रीजन और ऑन ग्लोबल स्केल। आबोहवा की तब्दीली एक ऐसा मंजर है जिसमें किसी जगह पे जो पहले से आबोहवा का पैटर्न था वो तब्दील हो जाता है। ये किसी इलाके में भी हो सकता है और अब ये ग्लोबल स्केल पे भी है, यानी ये पूरी दुनिया में ये चेंजेस आ रहे हैं, यानी ये किसी इलाके में भी हो सकता है और ये दुनिया के लेवल पे भी हो सकता है। और ये चेंजेस अब क्लाइमेट चेंज हो रहा है, सर्दियों की मुद्दत भी चेंज हो रही है, गर्मियों की मुद्दत भी चेंज हो रही है, ये सब क्लाइमेट चेंज है। फ्रॉम द मिड टू लेट 20th सेंचुरी ऑनवर्ड्स, 20वीं सदी के दरमियानी अरसे से लेके अभी तक, यानी अभी भी, द इंक्रीज ऑफ द लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द टेम्परेचर ऑन अर्थ, यानी हवा में जो कार्बन डाइऑक्साइड की का लेवल बढ़ता जा रहा है उससे ज़मीन का टेम्परेचर भी बढ़ रहा है, टेम्परेचर भी इंक्रीज होता जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाउ कैन प्लांटिंग मोर ट्रीज हेल्प टू रिड्यूस क्लाइमेट चेंज, यानी दरख्त लगाने से किस तरह से हम आबोहवा जो तब्दील हो रही है उसको रोक सकते हैं। ट्रीज एक्ट एज अ लंग ऑफ अर्थ, दरख्त ज़मीन के फेफड़ों का काम करते हैं। दे टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड, वो कार्बन डाइऑक्साइड को अपने अंदर ले लेते हैं, जज्ब कर लेते हैं, विच इज़ द मेन कॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज, जो कि मरकजी यानी खास वजह है आबोहवा तब्दील होने की। एंड रिलीज ऑक्सीजन इन द एयर, और हवा में ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। दिस वे द एयर गेट्स प्योरीफाइड, दिस वे द एयर गेट्स प्योरीफाइड, और इस तरह से हवा साफ होती है। क्वेश्चन नंबर 6 इज, व्हाट आर ग्रीन हाउस गैसेस, ग्रीन हाउस गैसेस क्या है। ग्रीन हाउस गैसेस एग्जिस्ट इन द अर्थ्स एटमॉस्फेयर एंड अलो सनलाइट टू पास थ्रू इट एंड रीच द अर्थ्स सरफेस। ग्रीन हाउस गैसेस क्या है, ये एग्जिस्ट करती हैं, ये ज़मीन में जो फिज़ा है, हवा है, उसमें मौजूद हैं और ये सूरज की रोशनी को इजाज़त देती हैं कि उसके थ्रू पास हो और वो ज़मीन तक पहुँचे। यानी जितनी ग्रीन हाउस ज़्यादा होगी उतनी ही ये सनलाइट ज़्यादा पास हो सकेगी, सूरज की रोशनी, और टेम्परेचर इंक्रीज होगा ज़मीन का, thereby regulating the earth's temperature, इसी वजह से अर्थ का टेम्परेचर चेंज हो रहा है, बढ़ रहा है। What is the greenhouse effect? Greenhouse effect क्या है। The greenhouse gases in the Earth's atmosphere trap heat to keep our Earth warm. जो greenhouse gases हैं वो जो sunlight है, जो heat है, सूरज की रोशनी जो heat है उसको अपनी तरफ खींच के लेके आती हैं, जिसकी वजह से हमारी जो अर्थ है, हमारी ज़मीन है, उसको गर्म हो रही है। दिस ट्रैपिंग ऑफ हीट इनसाइड द एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड द ग्रीन हाउस इफेक्ट। ये जो ट्रैपिंग इफेक्ट है, यानी अपनी तरफ सूरज की रोशनी को खींचना, इसको ग्रीन हाउस इफेक्ट कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाट काइंड ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़ आर रिस्पॉन्सिबल फॉर क्लाइमेट चेंजेस, इंसान किस किस्म की एक्टिविटीज़ या किस किस्म के काम करते हैं जिसकी वजह से क्लाइमेट चेंज हो रहा है। द यूज़ ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट एरिया फॉर एग्रीकल्चर पर्पस, डीफॉरेस्टेशन इन जनरल, ऐसा ईंधन इस्तेमाल करना, ऐसा फ्यूल इस्तेमाल करना जो कि फॉसिल्स हैं, यानी ज़मीन में दबा हुआ जैसे कोयला वगैरह, फिर इसके अलावा जो जंगलात हैं उनकी कटाई काश्तकारी के लिए, जंगलात को काट के वहाँ पे काश्तकारी करना, या वैसे ही जंगलात को काट देना, लकड़ी को किसी भी पर्पज़ के लिए, फर्नीचर के लिए या जलाने वगैरह के लिए यूज़ करने के लिए जंगलात की कटाई, मैन्युफैक्चर ऑफ सीमेंट, केमिकल, मेटल एक्सेट्रा, यानी इनकी मैन्युफैक्चरिंग, इनको बनाना, सीमेंट को, केमिकल्स को, ये भी क्लाइमेट चेंज का बायस है।
आर सम ऑफ द फैक्टर्स दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर क्लाइमेट चेंज. ये कुछ फैक्टर्स हैं, ये कुछ वजूहात हैं जो जिसकी वजह से क्लाइमेट तब्दील हो रहा है, आबोहवा तब्दील हो रही है. वट कैन, क्वेश्चन नंबर 9 इज वट कैन यू एज एन इंडिविजुअल डू टू कंट्रोल क्लाइमेट चेंज. आप एक शख्स, एक इंफरादी शख्स के तौर पर क्या कर सकते हैं कि क्लाइमेट चेंज जो हो रहा है इसको रोका जा सके, इसको काबू में लाया जा सके, कंट्रोल किया जा सके. मैनी एक्टिविटीज़ कैन बी अंडरटेकन. बहुत सारे काम किए जा सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें की जा सकती हैं टू रिड्यूस क्लाइमेट चेंज को कम करने के लिए, आबोहवा की तब्दीली में कमी लाने के लिए. फॉर एग्ज़ाम्पल, यूजिंग लेस इलेक्ट्रिसिटी, सेविंग वाटर यानी कम बिजली इस्तेमाल करें, पानी बचाएं, प्लांटिंग ट्रीज, दरख्त लगाएं, वॉकिंग और बाइसिकलिंग यानी वॉक करें या साइकिल चलाएं, इनसाइड ऑफ यूजिंग कार्स, रिसाइकिलिंग मटेरियल, बाइंग लेस प्लास्टिक एक्स्ट्रा यानी वॉक करें, साइकिल चलाएं बजाय कार्स को यूज़ करने के, और जो भी मटेरियल है रिसाइकिल हो सकता है यानी दोबारा से इस्तेमाल में लाया जा सकता है उसको रिसाइकिल करें, और प्लास्टिक की चीज़ें कम खरीदें वगैरह वगैरह. तो यहाँ पे स्टॉप करते हैं. विश यू बेस्ट ऑफ लक एंड अल्लाह हाफिज़.